हेलो दोस्तों, नीचे में आपका स्वागत है। मैं हूं दानिश खान, आपका दोस्त। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आया हूं, जो भाई हमारे सऊदी में हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो सऊदी से इंडिया जाते हैं तो वो टिकट लेते हैं अपने फ्लाइट का, तो उनको कौन सा टिकट लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा सस्ता टिकट है और कितने में 50 किलो सामान चला जाएगा। सबसे लो रेट बताऊंगा मैं, जो कि रिटर्न में है, रिटर्न वालों के लिए बहुत बढ़िया है, ऑफर भी है। और नई जो फ्लाइट चली है वो आपको पता ही है, मैं अभी दिखाता हूँ इसमें आपको करना क्या है। एक ऐप है जो कि डाउनलोड करनी है, काफी पॉपुलर एक ऐप है जिसका नाम है वीगो। यानी कि ये ऐप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, दोनों में काम करेगी, ये एंड्रॉयड में भी और ये आईफोन में भी काम करेगी। तो इसमें अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आप क्या क्या कर सकते हो, कितना सामान, चाहे आपको मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, हैदराबाद जाना है, लखनऊ जाना है, कहीं की भी फ्लाइट ले सकते हो और सस्ती है, बहुत सस्ती। यानी कि आप अगर जी फ्लाइट का टिकट लेते हो सऊदी एयरलाइंस का, तो 2000 रियाल का पड़ता है करीब करीब। इसमें आपको 1400-1500 रियाल का पड़ेगा और सामान आप इसमें 52 किलो लेके जा सकते हो। सऊदी फ्लाइट में आप 30 किलो सामान लेके जाओगे, आप क्योंकि उन्होंने अपना नया जो अपडेट किया है तो उसमें 30 किलो सामान है, पर इसमें आप 50 से 52 किलो सामान लेके जा सकते हो। हैंड बैग इसमें 10 किलो है, वैसे 7 किलो होता है, और फ्लाइट में लेके जाओगे तो इसमें 10 किलो है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये ऐप मैंने ओपन करी है और आप देख सकते हो यहाँ पे आप फ्लाइट इस पे क्लिक करना है। फ्रॉम यानी कि फ्रॉम तो यहाँ है रियाद में, रियाद में हूँ तो मैं रियाद क्लिक करता हूँ। टू मुझे जाना है कहाँ पे, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। और यहाँ पे जो भी है अबाउट आपका, कितने हैं कितने नहीं, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। और फिर यहाँ पे आप सीट भी बुक कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर बात है कोई से भी। और मैं बताऊंगा आप में इसमें किस तरीके से आपको करना है, डेट सिलेक्ट करना है यहाँ पे कब जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 16 में करता हूँ और रिटर्न करता हूँ मैं यहाँ से, फिर 16 में कर देता हूँ रिटर्न भी मैं, मतलब कि ये आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये हो गया मैं, यानी कि 16 जनवरी से मैं और 16 फरवरी में आऊंगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च फ्लाइट, अब सर्च फ्लाइट में थोड़ा सा टाइम लेगा, ये फ्लाइट सर्च करेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, ओमान एयर है, तो ये आपको यहाँ से 17 घंटे का वेटिंग देगी। तो ये 1100 का बहुत महंगा है, मतलब सस्ता भी है नहीं है, महंगा भी, वेटिंग बहुत है इसमें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि सस्ती फ्लाइट है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और किधर गई है, अभी देखो नीचे स्क्रॉल करते चला जा रहा हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे इंडिगो, ये जो है बहुत अच्छी फ्लाइट है, जो कि ये इंडिया में अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसे लॉन्च, तो काफी टाइम से हुई भी है, पर सऊदी टू इंडिया ये अभी चालू हुई है। मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने हुए हैं इसको, पहले नहीं थी ये, पहले इंडिया अपने लोकल लोकल थी, पर इंडिगो अब ये इंडिया ने और सऊदी ने अपनी बात करी है। तो ये भी सऊदी से आपको इंडिया में जाने के लिए बहुत सस्ता है, ये देख सकते हो 1263 रियाल में 4 घंटे की वेटिंग है। नहीं डायरेक्टली है ये, आप देख सकते हो डायरेक्ट है एकदम, ये कहीं वेटिंग नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। 4 घंटे 20 मिनट में आपको ये 1200 रियाल में, 1300 समझ लो, 1300 रियाल में पहुंचा देगी। इंडिगो नाम है इसके बाद है फ्लाइनेस, ये भी जो है आपको 5 घंटे 25 मिनट में पहुंचाएगी, इसका भी यही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इंडिगो में ले सकते हो टिकट। देख सकते हो आप 2000 का कहाँ टिकट है किसी 2200 का, और अब ये आपको 1263 रियाल का टिकट मिलता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो ये ऑप्शन दे रहा है दो, तो आपको व्यू यानी कि ये वाला लेना है 1554 का या 1263 का, वो आपके ऊपर च्वाइस है। और आप यहाँ पे बुक करने का जो हिसाब है वो यहाँ पे व्यू क्लिक करना है, देख लो पहले यहाँ पे क्या क्या है ये, और उसके बाद थोड़ा प्रोसेस चलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू फाइंड ए ग्रेट डायल टुडे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो अभी देखते हैं। दिस इज गुड टाइम, ये ऑटोमेटिक हो गया। आप यहाँ पे सब चीज़ें ये बता रहा है आपको क्या टाइम है, क्या रोल्स है, सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगा आपको। और ये 16 से 1 महीने का टाइम दिया है मैंने, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में। और यहाँ पे जो है आपको 1263, कोई इसमें चार्ज नहीं है, डिस्काउंट भी दिया है इसने 66 का, आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्काउंट भी है 66 का। और कंटिन्यू बुकिंग करना है अगर जी आपके पास, एक अच्छी बात यह है कि प्रोमो कोड है, तो प्रोमो कोड यूज करने के बाद आपको 200 रियाल का जो है इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इंटर कोड
कूपन, यानी कि एक कूपन होता है, प्रोमो कोड का ही होता है, वो अगर जी यहाँ पे आप डालोगे तो आपको 200 रियाल की छूट मिल जाएगी, यानी कि 1,000 रियाल में आपको रिटर्न टिकट मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यू बुकिंग, और यहाँ पे सारी चीजें जो है टोटल ये शो कर रहे हैं, हाइट कुछ नहीं करा, ऑटोमेटिक पेमेंट है, लाइव ट्रैकिंग है, नो प्रूफ रिक्वेस्ट है, यो जो भी है आपको यहाँ पे सारी चीजें शो कर रहा है। उसके बाद आपको दिखा देते हैं यहाँ पे डिस्काउंट 66 रियाल का वही था, और यहाँ पे 163 रियाल है, कोई भी इन्होंने चार्ज अभी नहीं लिया। अभी देखते हैं थोड़ा सा चार्ज ये क्या लेगा, यानी कि अगर जी आपको खरीदना है थोड़ा बहुत चार्ज लेता है, यानी कि तुम्हें पता है टैक्स है कि प्रॉब्लम है तो टैक्स लेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें शो कर दिए इसने, मोबाइल नंबर, ईमेल और सारी चीजें यहाँ पे आपको डालना है, जो जो पूछेगा यहाँ पे कॉन्टेक्ट अपनी डाल देना, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बुकिंग कर देना। देखो मैंने कोई डिटेल नहीं भरी, अगर जी आपके पास सारी चीजें यहाँ पे भरनी पड़ेंगी आपको पहले, यानी कि टाइटल में क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है यहाँ भरना है, फिर लास्ट नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, पासपोर्ट का नंबर भरना है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट भरनी है, पासपोर्ट इशू कब हुआ था वो भरना है, नेशनलिटी भरनी है, बर्थडे जो है वो भरना है, मोबाइल या ईमेल इनमें से कोई से भी दे सकते हो आप, या यहाँ पे आपको इस डब्बे पे भी क्लिक करना है और पासवर्ड चॉइस करना है वो चॉइस कर लेना, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जो है ये बता रहा है यूज वेट फॉर दिस बुकिंग ऑप्शनल, तो यहाँ पे जो है क्लिक करके देखना है आपको, अगर जी कंपनी नेम है, एड्रेस है, ट्रैक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, कंटिन्यू बुकिंग पर कर सकते हो। मैं फिलहाल नहीं जा रहा, सिर्फ मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि आप इस तरीके से कर सकते हो बुकिंग अपना टिकट, और 1,200 रियाल में, यानी कि 1,000 रियाल में सऊदी से रियाद से इंडिया, रियाद से इंडिया रिटर्न टिकट आपको मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना। वैसे भी काफी चीजें यहाँ पे हैं, गल्फ एयर है, कौन सी भी चीजें आप ले सकते हो वहाँ पे डायरेक्टली, मगर ये जो गल्फ एयर है ये आपको 19 घंटे में पहुंचाएगी, कहीं इनका बीच में कुछ ना कुछ रुकने का टाइम होगा। बाकी सारी फ्लाइट देख सकते हो यहाँ पे 13 घंटे में है, 20 घंटे में है, बस ये इंडिगो है जो है ये यहाँ पे नीचे आए हो तो 1,332 में है, ये डायरेक्टली है इंडिगो, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बड़ी अच्छी फ्लाइट है इंडिगो और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है इसमें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो बस यही था इस वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखना, सऊदी वालों के लिए बहुत अच्छी है ये, तो ऐप भी डाउनलोड कर लेना चाहे, नहीं तो कोई भी बुक कर सकते हो 1,200 रियाल में रिटर्न टिकट। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।